हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज है हरितालिका तीज, तो सबसे पहले जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उन सभी को हैप्पी तीज। तीज जो है निर्जला उपवास होता है, इसमें हम लोग को 24 से 26 घंटे तक पानी नहीं पीना रहता है, इसमें हम लोग बिल्कुल निर्जला फास्ट रहते हैं। तो आज मैं भी उसी तरह से फास्ट रखी हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम नहा धो करके रेडी हो गए हैं और अभी हम शाम की पूजा के लिए तैयारी करेंगे। तीज में हम लोग को 16 सिंगार करना चाहिए, तो उसके लिए देखिए हम कल रात को मेहंदी लगवाए हैं। ये देखिए हमारी मेहंदी, और मैंने पैर में भी मेहंदी लगवाया है, ये देखिए। और अभी हम बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल नहा करके रेडी हुए हैं, तो अभी हम बिल्कुल लाइट मेकअप किए हैं और शाम में हम अच्छे से रेडी होंगे, तो उस समय आप मेरा फाइनल लुक तीज का देखिएगा। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी फिलहाल हम आपको ये कुर्ती दिखाते हैं खड़े होके कि ये देखने में कैसा लगता है। और ये कुर्ती मैंने अमेजोन से खरीदा है और बहुत ही सुंदर कुर्ती है। तो चलिए हम आपको इसका फुल लुक दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुर्ती पूरा लॉन्ग है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप लोग भी चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट कुर्ती है और बहुत अच्छी कुर्ती है। इसको हमने तीज के लिए ही खरीदा था कि तीज के दिन हम सुबह में पहनेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें फ्लेयर देखिए कितना ज्यादा है, और प्योर कॉटन कुर्ती तो आपको गर्मी में भी आरामदेह रहेगा। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी हम शाम की पूजा के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शंकर पार्वती जी का आज पूजा करते हैं, तो हम लोग उसके लिए अभी स्टेट पे हम कोबर लिखेंगे। और देखिए कि हम कोबर कैसे बनाते हैं, आज के दिन पूजा में बनाया जाता है ये, तो इसीलिए हम ये लिए हैं कलर। और इससे देखिए, क्योंकि हम लोग वॉल पे नहीं बना रहे, वॉल खराब हो जाता तो हम एक सीट लगा करके बना रहे हैं, तो इस पे अब हम बनाते हैं इस तरह से। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा बन करके रेडी है देखने में। और ऐसे ही बनता है, जब शादी होती है तो इसी तरह का कोबर लिखा जाता है। और अभी हम सारा फल धो लिए हैं और अब इन सारी चीजों को हम जल्दी जल्दी सही जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। सो मैंने पूजा की सारी प्रिपरेशन कर ली है और मैंने सारे सामान को अच्छे से धो करके और जितने भी पूजा में सामग्री की जरूरत है सबको एक जगह मैंने अच्छे से इकट्ठा करके रख दिया है कि सिर्फ अब पूजा करना रहेगा। पूजा करने के इसमें कुछ भी इधर उधर मिस नहीं रहेगा। और अब हम जा रहे हैं खुद रेडी होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग नेल पेंट लगाएंगे, क्योंकि नेल पेंट को सूखने में टाइम लगता है। तो तीज में सब लोग चाहता है कि थोड़ा डार्क कलर रहे, तो इसलिए हम भी रेड कलर का नेल पेंट लाए हैं। और देखिए कि हम नेल पेंट लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने नेल पेंट लगा लिया है और साथ ही कृषि भी नेल पेंट लगाए हैं, क्योंकि उनको भी मन था कि हम भी नेल पेंट लगाएं। और ये थोड़ा सा हम लोग सूखने देंगे, उसके बाद हम लोग पैर में आलता लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पैर में आलता लगाएंगे। मेरा नेल पेंट सूख गया है तो मेरा आलता भी रेडी कलर का है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आलता भी लगा लिया पैर में। और अभी हम मेकअप करने जा रहे हैं। हम मेकअप के लिए थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया थोड़ा सा, उसके बाद प्राइमर एंड फाउंडेशन अप्लाई करके उसके बाद थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट लगाए हैं। और अभी हम आईलाइनर लगाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, सो फ्रेंड्स, मैंने आईलाइनर और कलर अप्लाई कर लिया और अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। अभी हम अपना हेयर बना रहे हैं बाल अच्छे से, और मुझे जूड़ा बनाना है तो आगे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं पफ बना लूं।
देखिए फ्रेंड्स मेरा चूड़ा। सो फ्रेंड्स अब हम पूजा करने के लिए रेडी हो चुके हैं और ये देखिए हमारा फाइनल लुक है। और ये देखिए हमारा जूड़ा और आप ये देख सकते हैं मैंने चूड़ा पहना है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं देखने में। और जो चीज हमने जहां से परचेज किया उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहें तो आप भी वहां से परचेज कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हमने मार्केट जाके परचेज किया तो उसका लिंक हम आपको नहीं दे सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हम कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने सर पे भी पल्लू रख लिया है, मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले हम लोग कलश स्थापना करते हैं, उसके बाद हम लोग शंकर जी गणेश जी और पार्वती जी को दूध दही और सूत जल से नहलाते हैं। उसके बाद हम लोग फूल चंदन माला जितना भी होता है सारा चीज़ हम लोग चढ़ाएंगे, उसके साथ हम लोग फल चढ़ाएंगे और उनका अच्छे से हम लोग पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से हम लोग सारा अच्छे से हम लोग पहले उनका पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा के लिए 3 थाल सजाते हैं और उस थाल में हम लोग जितनी भी पूजा के लिए फल मिठाई लाते हैं उसको रखते हैं और साथ ही एक कुल्हड़ में दही रखते हैं। तो उस 3 थाल में गणेश जी का होता है और एक शंकर जी की होती है। जो शंकर जी का थाल होता है उसमें हम लोग सारा मिठाई के साथ साथ श्रृंगार का भी सामान रखते हैं और उसको हम लोग वैसे ही पंडित जी को दान कर देते हैं। और जो पार्वती माँ का थाल होता है उसमें हम लोग मिठाई फल के साथ साथ भी श्रृंगार का सामान रखते हैं और उस श्रृंगार के सामान को हम लोग खुद यूज करते हैं। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पात अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो दिव्य जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगम्बर नंगे है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। इस हरितालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से ही प्राणी 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजयज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये देवी मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति हरितालिका व्रत समाप्त। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओंकार जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगिनी हारा फ्रेंड्स हम लोगों ने तीज का रात का पूजा कर लिया है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला उपवास होता है तो रात में पानी नहीं पीना रहता है। तो हम लोग कल सुबह उठेंगे और कल सुबह में हम लोग व्रत खोलेंगे पानी पी करके। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमने पूजा किया है और ये हमारा खंड ज्योत जो है वो रात भर जलेगा। इसी तरह से मुझे इसमें घी डाल के छोड़ देना है कि रात भर मेरा अच्छे से जले और बाकी सारा चीज भी सुबह में हटेगा। तो हम लोग यहाँ पे काफी देर तक बैठे हुए थे क्योंकि जगह को छोड़ना नहीं रहता है और आज के दिन पूरी रात महिलाएं रात जागरण करती हैं, लेकिन हम लोग पूरी रात तो नहीं बट 2-2.5 बजे तक हम लोग जगते हैं और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। फिर सुबह के हम लोग 4 बजे उठेंगे
और फिर सुबह 4 बजे उठकर हम लोग नहाएंगे, उसके बाद हम लोग पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद इनका विसर्जन करके हम लोग पानी पिएंगे। और आप लोग भी प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोग तीज की पूजा कैसे करते हैं और आप लोगों ने तीज कैसे सेलिब्रेट किया है। सो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही कमेंट भी करें कि हमने पूजा कैसे की। साथ ही जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और प्लीज आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। थैंक यू।